अनाज मंडी होडल में सरकारी खरीद करवाने के लिए किसानों द्वारा लाए गए गेहूं को बारिश आदि से सुरक्षित रखने के मार्केट कमेटी होडल व आढ़तियों द्वारा किए गए इंतजाम व दावों की शनिवार सुबह अचानक हुई हल्की बरसात ने पोल खोल कर रख दी। शनिवार सुबह अचानक हुई बूंदाबांदी में सरकारी खरीद होने की बाढ़ जोरा किसानों के खून पसीने की कमाई मंडी में पड़ा हुआ पीला सोना भी गया। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा गया सरकारी कट्टों में भरा गेहूं भी भीग गया, जो कि लिफ्टिंग ठेकेदार की मनमानी व अनुचित मांगों के चलते समय पर नहीं उठाया गया और समय पर उठान न होने के कारण मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ सैकड़ों कुंटल सरकारी गेहूं बरसात की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, आढ़तियों की मनमानी व लापरवाही का आलम यह है कि आढ़तियों द्वारा बरसात में भीगे किसानों के गेहूं को सरकारी कट्टों में भरकर तोल दिया जाता है और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर सरकारी खरीद एजेंसियों को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि आढ़तियों द्वारा मंडी परिसर में सरेआम उपरोक्त कृत्य को मार्केट कमेटी अधिकारियों की नाक के नीचे अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ना तो मार्केट अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं और ना ही सरकार खरीद एजेंसी अधिकारियों द्वारा। उपरोक्त संदर्भ में कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाना गवारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकारी आदेशों के अनुसार अनाज मंडी में गेहूं की तुलाई करने के लिए पारंपरिक तराजू के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रयोग करने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके संबंधित विभागीय अधिकारियों की उदासीन व लापरवाह कार्यशैली के चलते होडल की अनाज मंडी में परंपरागत तराजू का ही प्रयोग किया जा रहा है। रात को बारिश से जो किसान का गेहूं भीगा है और जो खरीद हो गई एजेंसी को गेहूं भीगा है, इसके अभी तक आपने पुख्ता इंतजाम किस कारण नहीं करवा पाए हैं त्रिपाल वगैरह के? त्रिपाल की जो है हमने 8.5 को पहले से ही लिखित में भेजा त्रिपाल का अरेंजमेंट पे, बाकी किसी किसान का गेहूं भीगा नहीं है। हमारे यहाँ इतनी बारिश आई नहीं है, कल पहले से हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई, जो आठ की है वो जो है त्रिपाल का अरेंजमेंट कर दो। प्रत्येक सेंटर में हमने तो अपनी तरफ से भी त्रिपाल बनाए तो वो जैसे कि मैंने कवरेज बारिश के दौरान की थी और समय गेहूँ भीग रहा था, तो इस बात को तो आप जुटला नहीं सकते, तो क्या कारण रहा है जो गेहूँ के लिए जो सड़क नहीं ढका गया? किसान का तो नुकसान होगा, जिम्मेवार कौन होगा? जो खुले में पड़ा है बिल्कुल बगैर कट्टों के पड़ा है, जो बगैर कट्टों के पड़ा है वो हम बता रहे हैं, वो जिस आड़ती के पास है वो आड़ती की जिम्मेवारी होती है इसको उसको त्रिपाल ढकना। कोई तो हमारे नॉलेज में इस प्रकार का ये है कि कोई गेहूँ खराब हुआ है। कुछ किसानों का कहना है कि हमसे कह रहे हैं कि भीगा भीगा गेहूँ निकाल ले जाए उसमें से, बाकी छोड़ दो। मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, यदि उसकी शिकायत आएगा तो निकालते हैं।